आपके घर में रखी झाड़ू न सिर्फ धूल मिट्टी को बाहर निकालने का काम करती है, बल्कि इसे लक्ष्मी यानी धन का प्रतीक भी माना जाता है। झाड़ू से जुड़े कई तरह के शगुन अपशगुन विख्यात हैं, जैसे कि झाड़ू को कभी पैर से छूना नहीं चाहिए या फिर उसे घर के ऐसे किसी कोने में छिपाकर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े। झाड़ू हमारे घर का कोना कोना साफ करती है, मगर क्या आप जानते हैं यह कब आपकी किस्मत चमका दे, यह खुद आपको भी नहीं पता। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू आपके घर परिवार और यहाँ तक कि आपके जीवन पर गहरा असर डालती है। तो चलिए अब वास्तु शास्त्र में क्या है झाड़ू से जुड़ी हुई जरूरी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पसंद आए वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अब जानते हैं। यदि आप अपना पुराना घर छोड़कर किसी नए घर में शिफ्ट करते हैं तो वहां से अपनी झाड़ू को लाना न भूलें। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपकी झाड़ू पुराने घर में ही रह गई तो समझिए माँ लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाएंगी और नए घर में सुख समृद्धि रुक जाएगी। यदि आपकी झाड़ू उत्तर की दिशा में रखी हुई है तो इससे धन का खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए झाड़ू को हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में ही रखें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए आप जिस तरह से धन को छिपाकर तिजोरी में रखते हैं उसी प्रकार से झाड़ू को भी छिपाकर एक कोने में रखें जिस पर किसी की कभी नज़र ना पड़े। जब सूरज छुप जाए तो भूलकर भी ऐसे समय में घर के भीतर न चौखट पर झाड़ू लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की बरकत रुक जाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।